रिकॉर्ड भी चालू, रिकॉर्ड भी चालू नहीं किया था। रुक जा, डबल से कर लेता हूँ यार। मैं ना पढ़ाने में इतना लीन हो जाता हूँ ना, मुझे उनका टाइम का भी नहीं पता चलता, ये सब भी याद नहीं रहता कुछ तो। हैं क्या नहीं है, आदत भी नहीं है। सही बात तो ये भी है। अब देख रहे हैं, अब चालू है। हाँ अब देखो, देखो एक फर्म में एक्स बाय जेड क्या है, पार्टनर है, उनका प्रॉफिट रेशियो क्या है, 3:2:1। इसमें प्रॉफिट को बांटोगे, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, बाय को सैलरी देखो, तो बाय की सैलरी दे के रखी है, तो सैलरी को कहाँ लिखोगे, डेबिट तरफ लिखोगे ना, तो 42,000 सैलरी दे के रखी है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है, जेड को कमीशन मिल रहा है 3%, किस पर, सेल पर। और सेल क्या दे रखा है उसमें, 1 लाख नहीं सॉरी 12 लाख है ना। देखो हिंदी वाले ये देखना, 3% कमीशन दिया जाता है, सॉरी जेड को कुल बिक्री पर, कुल बिक्री जो कि 12 लाख है, उस पर 3% कमीशन दे रहे हैं, ठीक ठीक है भाई। जेड का कमीशन निकाल दो, तो जेड का कमीशन निकालोगे तो 12 लाख का 3% निकालोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 36,000। तो ये 36,000 आया है, वो 36,000 क्या है, जेड की कमीशन है। उसके बाद देखो, उसके बाद उसने बोला है, देखो फर्म में वर्ष 2018 में कुल बिक्री पर 10% का लाभ अर्जित किया, मतलब क्या है, हिंदी इंग्लिश वालों के लिए भी और पढ़ देता हूँ, है ना। फर्म अर्न प्रॉफिट एट द रेट 10% ऑन टोटल सेल्स, मतलब टोटल सेल्स का 10% प्रॉफिट कमाया उन्होंने। प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे ये सब उसको किस, ये इन सबको किस में दिखाओगे, वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जब तुम प्रॉफिट का, प्रॉफिट कितना है भाई, नहीं टोटल सेल क्या है, 12 लाख, 12 लाख का कितना 10% प्रॉफिट हुआ है, तो 10% निकाल दो। तो 10% जब निकालोगे तो 1,20,000, तो प्रॉफिट क्या है। अब देखो प्रॉफिट दे के रखा, कमीशन दे के रखा, सैलरी दे के रखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कर नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को जब बनाओगे। मैं बना ये देखो, मैं यही करवा देता हूँ, एक काम करता हूँ, सुनो भाई, छोटा सा बनाता है ऐसा, ऐसे लेना, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा नहीं, मतलब ऐसे बता रहा हूँ। तो देखो सैलरी मिलेगी, तो सैलरी मिलेगी 42,000, जो कि यहाँ आएगी, टू किसकी सैलरी है, वाई की, ठीक, वाई सैलरी आ जाएगी। अब तुम कर लेना यार, वाई की सैलरी जाएगी, जेड का फिर निकालोगे 3% कमीशन, ये सब जमा कर लोगे ना, करवाना ये क्वेश्चन नहीं। तो अब हम क्वेश्चन कौन सा करेंगे, करेंगे 11 ही करेंगे। अरे इसमें दिया हुआ ना, तो ठीक है यहां से पढ़ेंगे ना, ये सब मिटा दूं, 11 करेंगे, ये सब तुम्हें करना है ना यार। बोर्ड को तो गीले कपड़े से पूछना भी नहीं पड़ता होगा, समझ में आया, क्यों क्यों, ठीक है। 11 वाला देखो, तो जब 11 वाला तुम देखोगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो रमेश, महेश और रमेश क्या है, पार्टनर है, ठीक है। कोई बोतल लाता है पानी की, वाह मेरी तरह ही हो सब, और कुछ नहीं, वो तो लाया हूँ, लाया नहीं हूँ आज, बेगी नहीं लाया। अच्छा ठीक है, तो देखो महेश और रमेश है, 5 और 3 के अनुपात में क्या है, प्रॉफिट को बांट रहे हैं, है ना। 11 नंबर का क्वेश्चन है राठी बुक का, महेश एंड रमेश वर पार्टनर्स इन द फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3, ठीक है। देयर कैपिटल वर 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, मतलब उनकी कैपिटल क्या थी, 3 लाख और 20,000 थी। तो ये जो महेश है, ये महेश, महेश की कैपिटल ये है, और रमेश है तो रमेश की कैपिटल ये है, ठीक है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड डेथ, मतलब पार्टनरशिप डीड में इंफॉर्मेशन दी है, क्या दी है इंफॉर्मेशन, ये देखो उसने बोला, ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड 12%, मतलब उनको इंटरेस्ट जो उनकी उनकी कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट कितना आना चाहिए, 12% आना चाहिए, ठीक है। ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट शुड बी अलाउड टू रमेश, मतलब क्या, रमेश को नेट प्रॉफिट का क्या मिलना चाहिए, 5। तो ये रमेश वाली लाइन को तो तुम ऐसे कर लेना भैया, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे पेंसिल से कर लेना, ठीक है। मैं तो मिटा दूंगा, तुम देख के कर लो, है ना। मतलब इस लाइन को, इस लाइन को ना थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, शुद्ध लाभ दिखाए जो, ठीक है, ये इसके अंदर एक मीनिंग है। तो ये जो कमीशन पे लेगा ना ये, उसके बाद उसने क्या बोला है, प्रॉफिट कितना लिए दिया है, 1,23,000। तो बोल रहा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे, तो कर सकते ना ये, वो अपना पूरा मिट गया क्या सवाल। अच्छा वो तो मिटाया ही था ना मैंने, ठीक है।
तो यहाँ 11 नंबर का देखो, सबसे पहले उसका वर्किंग नोट ही कराने वाला हूँ। वर्किंग नोट क्यों करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। देखो इसमें लिखेगा इतने से मैं बता तो दिए ना, क्वेश्चन नंबर 11 है तो कौन सा कोई वो करेगा। देखो उसके बाद क्या बनाएंगे हम, वर्किंग नोट नहीं पहले अभी वो कर लेते हैं थोड़ा उसको ना, ऐसा ना कलर वाइज थोड़ा दिखना चाहिए, थोड़ा ये कलर दे देता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे उसके बाद क्या बोला उसने, पहले पूंजी पर ब्याज देना, सबसे पहले कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट लिखते हैं ना, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोष्टक में क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट नहीं, बस प्रॉफिट लिख लेना, वही बहुत है, नेट प्रॉफिट तो वो हो जाता है ना, पूरा काटने के बाद हुआ। ठीक है, कितना है प्रॉफिट, 1,26,000, यही लेके रखा हुआ ना। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है, उसके बाद उसने बोला है 1 लाख क्या देके रखा हुआ है, 1 लाख, हाँ तो 1,23,000 दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो उसने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, तो निकालोगे यहाँ पे वर्किंग नोट लिख के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% है ना, ये हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बोले। अब एक्स का निकालोगे तो एक्स का देखो कैपिटल कितनी है, एक्स की कैपिटल कितनी है, 3 लाख, क्या 66,000 बता रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गलत बता रही मैं करवा रहा हूँ ना। देखो 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 कैपिटल कितनी है, 3 लाख है ना, उसका 5% निकालोगे 12%, तो जो 12% निकालोगे तो कितना आएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 12 या 36, तो 36,000 आएगा, कितना आएगा, तो ठीक है इसका तो 36,000 आ गया। उसके बाद जब बाय का निकालोगे तो बाय की कैपिटल कितनी है भाई, बाय 2 लाख, तो 2 लाख का 12% निकालोगे कितना आएगा, 24,000 आएगा, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल आ जाएंगे और ये आ जाएगा 24,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एक्स और महेश एंड रमेश है, करते टाइम बोलना था ना तुम लोग को, महेश और रमेश है, रमेश और महेश है, ठीक है महेश और रमेश, यहाँ पे भी महेश और रमेश ही कर लेना है ना। ठीक है, तो महेश का कितना आ जाएगा जो हमने निकाला, कितना निकाला, 36,000, रमेश का निकालेंगे तो 24,000, 36 और 24 कितना होता है, 60,000, 60,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, किसको आ रहा है सामने, 60 लिखा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है भाई देखो अब ये लाइन का मतलब देखो, सेकंड उसने बोला रमेश को शुद्ध लाभ पर 5% कमीशन देना है, मतलब क्या, जो जो कमीशन मिलेगा उसको देखो, एक एक कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट शुड बी अलाउड टू रमेश, रमेश को कमीशन तो मिलना चाहिए पर नेट प्रॉफिट पर मिलना चाहिए, नेट प्रॉफिट हम लास्ट में निकालते थे, मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट लास्ट में निकालते थे ना, तो उसका कहने का मतलब ही ये है कि भाई भाई आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी काट दो उसमें से निकाल के, और कमीशन को भी काटो उस पर परसेंटेज निकालो प्रो वो कमीशन का, तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा दिमाग ये लगाओ। वो ये बोल रहा है कि इस ये कोई प्रॉफिट है, इसमें से बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा दो, कमीशन भी हटा दो, फिर जो पैसा बचेगा उस पर कमीशन निकाल के दो, तो कमीशन कैसे हटाएंगे, जब तक मिलेगा नहीं जब तक, समझ में आ रहा। शुद्ध लाभ का मतलब क्या था, शुद्ध लाभ का मतलब ये था कि सबको देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो शुद्ध लाभ, मतलब कमीशन भी तुम्हें देना पड़ेगा, तो कमीशन देने के बाद क्या होना चाहिए, जो कमीशन देने के बाद मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन दोनों को देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट देना है तुम्हें, ठीक है, उस प्रॉफिट पर तुम्हें क्या देना है, कमीशन देना है। आया थोड़ा सा दिमाग में, गया गया, अरे देखो उसने बोला शुद्ध लाभ कर, शुद्ध लाभ तो तुम इधर, शुद्ध लाभ मतलब नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तो तुम वो निकाल रहे थे ना बैलेंस बैलेंस करके, तो मतलब क्या है कि तुमने सारे इंटरेस्ट वगैरह काट दिए, जो तुम्हें मिल रहा था वो ले लिया, जो तुम्हें देना था वो दे दिया, अब जो बचा है ना उस पर कमीशन निकालना है, तो कमीशन भी तो दोगे उसके बाद ही शुद्ध लाभ बैठेगा ना, मतलब कमीशन देने के बाद कमीशन निकालना है उस अमाउंट पर। थोड़ा सा मैं वो कर रहा हूँ कॉम्प्लिकेट, तो थोड़ा सा हमें दिक्कत होगी कि नहीं होगी, है ना, वो शुद्ध लाभ और नेट प्रॉफिट का मतलब ही वो,
ठीक है, डायरेक्ट मत निकाल देना। अब देखो करेंगे हम, करेंगे कुछ उसकी व्यवस्था, है ना। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, जब अब तुम देखोगे ना तो सबसे पहले तो भाई नेट प्रॉफिट निकालोगे, है ना। तो ये अभी ये जो अभी हम क्या निकालेंगे, वो निकालेंगे प्रॉफिट कौन सा वाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद वाला प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। तो अब तुम जब देखोगे प्रॉफिट आफ्टर गिवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एट द रेट 12%, है ना, कि 5% था, 12% था, 12% था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही तो लिखा है ये मैंने, है ना, ठीक है। तो अब तुम देखोगे तो टोटल प्रॉफिट की कितना दिया, 1,26,000, तो ठीक है। तो पहले तुम जो ना, पहले सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट में फॉर्मूले की तरह लिखवाए, तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिखोगे, है ना, जो तुम्हें दिया होगा उसमें से माइनस कर दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया, 1,23,000 दिया है ना, ठीक है, उसमें से माइनस कर दोगे क्या इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट टोटल कितना है उनका, 60,000। जब ये 60,000 माइनस कर दोगे तो ये कितना बचा ये अमाउंट, 63,000। तो इस 63,000 में क्या है, इस 63,000 में प्रॉफिट भी है और कमीशन भी है, है ना, ये दोनों जुड़ा है ना, प्रॉफिट और कमीशन दोनों जुड़ा हुआ है। तो अब इसको थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा और समझा देता हूँ मैं, अरे क्यों नहीं ले रहा है ये, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। तो अब तुम देखना, थोड़ा सा मैं तुम्हें बेसिक बताऊंगा, उसके बाद तुम्हें क्या बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, जिसको समझ में नहीं आया फॉर्मूला याद कर लेना, और जिसको बेसिक बताऊंगा बेसिक भी देखना। नेट प्रॉफिट को अपने आप में 100% मान लो, नेट प्रॉफिट को अपने आप में क्या मानेंगे हम, 100%, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ बता देता हूँ, तो जो नेट प्रॉफिट है वो अपने अपने आप में कितना है, 100% है। तो कमीशन इसका 5% देंगे, कमीशन किसका देंगे, इसका 5%, नेट प्रॉफिट का ही कमीशन बोला ना उसने, तो ठीक है कमीशन ले लो। तो ये बताओ 100% का 5% कितना होगा, 100% का 5% कितना होगा, 100 का 5% कितना होगा, 100 का 5% कितना होता है, 5 ही होता है ना, तो 100% का 5% ही रहा होगा, तो ठीक है ये लिया मैंने 5% कमीशन, और इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो ये कितना हो गया, ये 105%, है ना। तो ये जो निकला है ये क्या निकला है, ये बताओ ये जो निकला है क्या निकला है, ये निकला है नेट प्रॉफिट और प्लस में कमीशन में। तो कुछ दिमाग चल रहा है तुम लोग का, थोड़ा सा हल्का सा भी, कि ये जो अमाउंट निकाला है मैंने वो क्या है, जो ये अमाउंट निकाला है ये जो अमाउंट निकाला मैंने 63,000, वो क्या है मेरा ये बताओ, हाँ नेट प्रॉफिट और कमीशन यही है ना। तो ये बताओ, तो मैं 105% बराबर 63,000 नहीं रख सकता क्या, क्योंकि ये भी तो मेरा है नेट प्रॉफिट और कमीशन, तो वो भी तो नेट प्रॉफिट कमीशन है, तो 105% बराबर कितना हो गया मेरा, 63,000। वेरी गुड। तो अब कभी भी भगवान ने ये तुम पांचवी छठवी में पढ़ के आए हो, जब किसी भी परसेंट की वैल्यू दो दी होगी ना तो तुम कुछ भी निकाल सकते हो। मान लो 105% की वैल्यू दी है तो तुम 5% भी निकाल सकते हो और 100% भी निकाल सकते हो। 10% की वैल्यू दी है तब भी सारे परसेंट निकाल सकते हो। 800% की वैल्यू दी है तब भी सारे परसेंट निकाल सकते हो, उसी मेथड उसी की संख्या का। समझ में आ रहा है? तो अब तुम मुझे ये बताओ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट कर देता हूँ, ये बेसिक है समझाने के लिए, बाकी मैं फॉर्मूला बताऊंगा, तुम्हें पेपर में ही फॉर्मूला यूज करना है, पर मैं बेसिक बता दूंगा तो तुम्हारे दिमाग में चले जाएगा, तो तुम्हें समझने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब देखो तुम, तो 105% बराबर कितना दिया हुआ मुझे, 63,000, यही दिया है ना। तो अब तुम बताओ 1% की वैल्यू कितनी होगी, 63,000 को डिवाइड कर दोगे 105 से, कि देखो परसेंट को वहीं रहने दिया, 105 को नीचे ले गए, थोड़ी सी मैथ है ये, है ना, तुम्हें आ रहा समझ में,
अरे गधे, 105% बराबर 63,000 दिया, तो 1% की वैल्यू निकालेगा तो क्या करेगा, 105 से डिवाइड करेगा ना। अच्छा ये बता, मैं तुझे थोड़ा अपनी भाषा में बताता हूँ। तू 5 रुपये 10 चॉकलेट लेके आया है, एक चॉकलेट की 2 रुपये, 10 चॉकलेट लेके आया है, ठीक है, और 20 रुपये वैल्यू है, तो एक चॉकलेट की वैल्यू नहीं निकाल पाएगा, कैसे निकाले, डिवाइड करके ना। इसमें क्यों गड़बड़ा रहे हो फिर, इसको चॉकलेट समझ लो। 105% मतलब बराबर कितना, 105 चॉकलेट, 105 चॉकलेट की वैल्यू दी है 63,000, तो एक चॉकलेट की कितनी होगी, 105, 63,000 डिवाइड बाय 105। और समझ में आया तुम्हें, आया क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, तो सुना ही नहीं उसने, वो तो उधर लगा था। देखो भाई, 105% 63,000 दिया, तो ये वही है ना भाई, मतलब क्या है, 105 चॉकलेट की वैल्यू 63,000 है, तो एक चॉकलेट की वैल्यू नहीं निकाल सकता, तो अभी परसेंट को चॉकलेट समझ लो, 100% मतलब 100 चॉकलेट, 5 चॉकलेट और 105 चॉकलेट, 105 चॉकलेट की वैल्यू 63,000 है, तो मैं 100 चॉकलेट की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ और 5 की भी निकाल सकता हूँ। तो देखो यहाँ देखना थोड़ा सा, तो देखो जब इसको तुम काटोगे ना 1%, तो मैं 5% की नहीं निकाल सकता क्या, निकाल सकता, तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो इंटू कर दूंगा, तो 5% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मुझे 5% निकालना है, तो ये देखो 63,000 डिवाइड बाय 105 इंटू 5, क्योंकि भाई वो 5% ही तो निकालना है ना। तो अब इसको निकालोगे तो ये देखो, जब इसको अब किसको कैलकुलेट करोगे ना, ये 5% को, तो 21 21 से करेंगे तो 3, तो 3,000 आ जाएगा कैलकुलेट करके। तो ये 3,000 क्या निकला तुम्हारा, कमीशन निकला ना भाई, 5% क्या है, कमीशन है, आया समझ में तेरे को। तो देख, तो 5% 3,000 क्या हो गया, कमीशन, तो मतलब क्या है, देखो अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना, 105 मतलब क्या है, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्लस कमीशन, कमीशन मुझे 3,000 दिया, तो नेट प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, माइनस ही कर दूंगा ना, तो इसको करेंगे तो 60, तो मतलब 100% अपने आप में क्या हो गया, 60,000। अब देखो 60,000 का 5%, 60,000 का निकालना, 5% कितना आ रहा है, 3,000 आ रहा है, जो कि हमारा कमीशन था, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी भाई, इसमें से कमीशन निकालना है इस वैल्यू में से, तो हमें वो पता नहीं था, पता था क्या हमें, ये 60,000 वो तो हम निकाला हमने, इसलिए हमने इतनी रामाइंड की, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये बेसिक है जिसको तुम्हें समझना है, कि नेट प्रॉफिट बराबर दिया है और ये सब दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो, ये जो तुम्हें ये जो इसको कट करके अलग से ऊपर नहीं ले जा सकते ऐसे, इस वाले को देखो, ये देखो, ये तुमने देखा होगा 5% की वैल्यू तुमने कैसे निकाली, ये देखो 63,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 105, तो 100 प्लस 5 लिखूंगा, तो गुना कर दिया मैंने, नहीं कर दिया, तो अगर मैं इसको फॉर्मूला बनाऊं, तो फॉर्मूला भी तो ऐसे ही बनेगा दोस्त। ये देखो 63,000 क्या था, प्रॉफिट था ना, कौन सा वाला प्रॉफिट था, प्रॉफिट प्रॉफिट हाँ, अब उसको थोड़ा हमारी लैंग्वेज में लिख देंगे, प्रॉफिट बिफोर गिवन कमीशन, ठीक है, हिंदी वालों को दिक्कत हो रही होगी, पर तो लिख ले, मैं बता दूंगा, प्रॉफिट बिफोर गिवन कमीशन, है ना। तो अब जब ये हो जाएगा, तो इनटू क्या थी, रेट, रेट ही थी ना, डिवाइड बाय क्या जाएगा यार, उसको थोड़ा सा इरेज, तो इसको नए पेज में बता देते, नए पेज में ये देखो 5%, इसको ना नए पेज में बताऊंगा ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो 5% बराबर दिया, कितना दिया, दिया है मुझे 63,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 105, तो मैं इसको 100 प्लस 5 नहीं कर सकता क्या, कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको प्रॉफिट, जब मैं कमीशन निकाल लेगा, जब खासकर वो दिया हो, है ना, तो हम कौन सा पहले, सबसे पहले वो निकाल लेंगे, क्या बोलते हैं, तो देखो, तो 63,000 का मतलब ही क्या है, प्रॉफिट बिफोर गिवन कमीशन, गिवन कमीशन इंटू क्या, 5% अपने आप में रेट नहीं है, रेट ही है ना, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या है, 100 प्लस रेट, ये करना है तुम्हें, जिसको याद ना रहे, अगर कमीशन निकालना है। अब ये बताओ, ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, ये क्या मैं लेके आया हूँ मेरे घर से, कि बना है, बना है ना, तुम बताओ बना है ना, वो बना कहाँ से, बेसिक से, टीचर बोलते हैं याद कर लो, मैं भी इसमें आधी घंटे रामायण, आधी घंटे तो लगा दिया हुआ अपन, आधी घंटे रामायण देने की जगह मैं क्या कर देता, बोल देता ये फॉर्मूला लिख लो और फॉर्मूला से निकाल दो। तो देखो सबसे पहले तुम्हें कमीशन देना है नेट प्रॉफिट पे, तो वहां तक तो तुम्हें पूछना पड़ेगा, कहाँ तक,
प्रॉफिट बिफोर गिवन कमीशन, कमीशन देने वाले से प्रॉफिट तक, है ना भाई, अब मुझे कमीशन और देना है उसके बाद खत्म। तो क्या करोगे, ये फॉर्मूला फिर लगाओगे, और बेसिक तो मैंने बता ही चुका हूँ। ये देखो क्या करोगे, नेट प्रॉफिट लिखोगे 100%, ठीक है, कमीशन लिखोगे 5%, जो भी परसेंट रख दिया होगा, ये 105 होगा, इसकी वैल्यू दे रखी होगी 63,000, तो फिर ये बेसिक से निकाल सकते हो। पर तुम्हें पेपर में कैसे करना है, ये फॉर्मूला लगा के। अब वहां पे मैं कर सकता था, ये इतनी रामायण लिखवाने के लिए क्या करता बेटा, ये फॉर्मूला याद कर लो। तुम बोलते हाँ सर, तुम बोलता ये देखो कमीशन देखो कैसे निकलेगा चुटकियों में। ये लिया प्रॉफिट बिफोर गिवन कमीशन क्या था बेटा, वही मैंने 1,23,000 में से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दिया तो 63,000 आ गया, 60,000 घटाया तो 63,000 लेते तुम लोग, है ना। फिर मैं बोलता 5%, फिर मैं बोलता चलो एक 100 प्लस 5 कर लो। बोर्ड मार्क्स पढ़े होंगे तो तुम, बोर्ड मार्क्स पढ़े होंगे तो पहले प्लस करोगे फिर डिवाइड करोगे, नहीं पढ़ा होगा तो तुम गधों की तरह काट दोगे उसको। तो ये बता, ये 63,000 है, ये 5% है, ये 105% है ना, तो इसे काटोगे तो ये 21 आएगा, इसे काटोगे तो ये 3 आएगा, तो जो निकलेगा वो कितना आएगा, 3,000, ये कमीशन निकल जाता। फिर इसको भी माइनस करते तो जो प्रॉफिट बचता है उसको बांट देते, तो वो प्रॉफिट को बांटना है, तो ये आसान है वैसे, ये आसान है। पर समझने वाली बात ये है जो कि तुम्हें जीवन भर काम आती है, ठीक है। कोई दिक्कत तुम लोग को, दिक्कत समझ में आया। अब ये बताओ कल जो बच्चा आएगा जिसने छुट्टी की होगी उसको मैं इतना अच्छे से बता पाऊंगा, टाइम ही नहीं मिलेगा ना, ठीक है। इसलिए मेरी क्लास में जो छुट्टी करता है ना उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्या होता है उसका, हाँ ये जो 105% बराबर है इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ना। ये देखो, अब देखो तुम लोग, तो मैंने कमीशन यहाँ पे क्या देना था मुझे, ये देखो यहाँ पे तुम लोग में पढ़ो, ये देखो क्या बोल रहा है, कमीशन दो भैया, किसको कमीशन दो, राम को कमीशन दो, शुद्ध लाभ पर निकाला ना, तो क्या लिखोगे, टू राम कमीशन, क्या लिखोगे, हाँ टू रमेश कमीशन, कितना कमीशन निकाला था, 3,000। अभी बताओ नेट प्रॉफिट कितना था, 60,000 नहीं निकाला था मैंने, तो वही तो करोगे, वैसे भी निकाल लो भैया 1,23,000 में से 63 घटाओ कितना आएगा, 60,000 ही आएगा ना, तो कैसे भी निकाल लो। तो चलो देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, भाई देखो मैं कचरे की तरह करवा रहा हूँ इधर उधर लिख के, पर तो मैं नहीं करना है, ठीक है। किस रेशियो में, 5:3, तो 5:3 में तो पहले रमेश का निकालोगे, महेश का निकालोगे, महेश महेश तो कितना था भाई प्रॉफिट, 60,000, 60,000 का निकालोगे 5/8 कितना आएगा ये बताओ, 6 × 5 = 30, 8, 8 × 3 = 24, 8 × 7 = 56, 4 × 8 = 40, 37,500 क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद रमेश का निकालोगे तो रमेश का जो निकालोगे तो 60,000 का कितना निकल जाएगा, × 3/8, तो रमेश का निकाल लोगे भाई 3/8, तो कर लो 6 × 3 = 18, उसको डिवाइड कर दो 8 से, तो 8 × 2 = 16, 2 आया, 8 × 2 = 16, 4 × 8 = 40, तो 22,500 कितना जाएगा, तो रमेश का अमाउंट आ गया 22,500। अब यहाँ देखो तो वही लाइन लिखो, विजिबिलिटी टू प्रॉफिट एंड लॉस टू नेट प्रॉफिट, सॉरी टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब ये बताओ ये मिटा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये लाइन इसमें तो क्या ही है, इसमें क्या करना है ना, ये तो समझने वाली चीज थी ये, जो कि मैं समझा ही चुका हूँ, और वो बाकी रटने के लिए अपने पास है जिंदाबाद फॉर्मूला। और सुनो वर्किंग नोट में ऐसे लिखोगे, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दिखा दिया, ठीक है, फिर ये लाइन भी दिखा दोगे 63,000 जो तुमने निकाली होगी, उसके बाद ये करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, उसके बाद फॉर्मूला लगा के वो निकाल के और फिर दिखाओगे, ठीक है। कहाँ था मैं, इधर, हाँ। तो अब देखो तो जो ट्रांसफर किया हुआ है, अरे यार ठीक है, तो भाई राम और मोहन और रमेश, तो मोहन का कितना है 37,500, और इसका कितना है 22,500, उसको टोटल करके बाहर दिखा दोगे और आ गया टोटल 1,23,000, 1,23,000 कर लोगे ना, था क्वेश्चन मजेदार अगर समझ लो तो। चलो भैया करो।
यूट्यूब पे तो नहीं आ रहा हमको लग रहा, लोग सांझ कुछ भी कहीं पे भी तो लिख रहा, सिस्टमेटिक नहीं लिख रहा ना मैं, क्या लिख रहा हूँ आ रहा है ना समझ में सबको, बस आज इतना ही रखते हैं भैया।